ये देखिए आपको हम तीन लाइन दिखाते हैं, एक लाइन ये जो सर्विस लाइन है, इसके साथ साथ ये जो इसका फाउंडिंग की जा रही है, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, ये दीवार एक तरीके से कह सकते हैं, ताकि ये रोड कभी धसे ना, साइड से आगे ना जाए, इसीलिए इसको इसके लेवल में किया जा रहा है, इसके बराबर में किया जा रहा है, ये देखिए। और ये करावल नगर मेन रोड है जिसको इसके लेवल में लाके बराबर किया जाएगा। ये देखिए ये तीन लाइनें होंगी, सर्विस लाइन, मेन रोड करावल नगर वाला, इसके बराबर पे ये, और ये पुस्ता रोड, और उसके बाद उधर भी जो सर्विस लाइन बननी है वो, यानी ये नेशनल हाईवे और उसके साथ में सर्विस लाइन जो बननी है ये वो है। आप खजूरी से अगर चलते हैं तो सर्विस लाइन आपको साथ में मिलेगी, और आप सीधा टोनका सिटी होते हुए आगे देहरादून एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाएंगे। और ये वो रोहित, ये देखिए वो रोड चल रहा है जिसके साथ में ये बनाया जा रहा है, इसको तोड़ा गया है, इसको काटा गया है, साथ में जो चौड़ा करके इसमें बनाया जाएगा, इसको मिलाया जाएगा। और नगर मेन चौक है जहाँ से आप जाते हैं, ये देखिए दुर्गा माता मंदिर जो है, और ये जो व्हाइट रंग का ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये यहाँ का एग्जिट पर एंट्री पॉइंट है यहाँ से। यह चमन विहार एरिया है, ये जो ये चमन विहार एरिया है, और ये बिल्कुल बॉर्डर है, ये दिल्ली का बॉर्डर है, नीला बोर्ड दिख रहा है आपको, ये दिल्ली का आखिरी बॉर्डर है। आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल हम एग्जैक्ट सीआरपीएफ कैंप के साथ में हैं, ये देखिए ये सीआरपीएफ कैंप के साथ दोनों साइड हम आपको जगह दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरी इसके लेवल में कर दिया गया है, और रोड के साथ साथ ये रोड जो बन रहा है जिस तरीके का चौड़ा किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये रोड इसके लेवल में ले आए हैं ताकि ये रोड एक किया जा सके, और इसी के साथ साथ ये एरिया उस साइड भी हम आपको दूसरी साइड भी लेके चलते हैं, ये देखिए ये सीआरपीएफ कैंप का मेन रोड हुआ है बोर्ड है, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं ये रोड के साथ चलने वाला जो इसके साथ ढलान थी पहले, जो एरिया है बहुत डाउन था, यह वो है जहां पे बराबर का लेवल इसको भी कर दिया गया है, इसको भराव किया जा रहा है, और ये देखिए सामने आगे आपको दिख रहा होगा, यह इसके लेवल में ले आए हैं, हम आपको और आगे से दिखाते हैं। आप ये देखिए ये रोड के साथ में बिल्कुल इसके लेवल पे आ गया है, और ये बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप की जड़ में, यानी बिल्कुल इसके बाउंड्री वॉल जो है इसके साथ में इसको ऊंचा किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही क्योंकि सरकारी ये एरिया है तो यहाँ पे पहले ही उतना एरिया छोड़ दिया गया था जो नेशनल हाईवे के अंडर में आना था, और इसके साथ साथ दोनों साइड ये पुस्ते के रोड उस पार तो बहुत बसावट है, बिल्कुल एरिया लगा हुआ है यहाँ बसावट है, नाला है साथ में, मगर इसके बाद ये एक रोड जाने का है खजूरी चौक पे, और एक रोड खजूरी चौक से टोनका सिटी जाने का है, और इसके साथ में ये आपको दिख रहा है ग्रीन नेट, ये रोड भरा हुआ है पूरा जो हमने अभी आपको वीडियो दिखाई है, और उसके साथ में इसको भी भरा जा रहा है, ये भी पूरा भरा जा रहा है, और ये देखिए ये आपके सामने वो लोकेशन है जो कम्प्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, और इसको लेबल और भराव का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, यानी रोड चौड़ा हो रहा है, तोड़फोड़ की यहाँ पे गुंजाइश कम है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये वाला, ये रेड लाइट है सादतपुर की, जो करावल नगर और दयालपुर वाले एरिया की बैक साइड है, शेरपुर चौक का, यहीं से लोग आते जाते हैं यहाँ के एरिया, और ये देखिए इसके साथ में यहाँ पे ये लेवल किया जा रहा है, और यह एरिया भी भराव करके इसको ऊंचा करके इसके लेवल में लाया जा रहा है। आपके सामने है नजारा, हम आपको हर लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो खजूरी खास हो, सीआरपीएफ कैंप के आसपास का एरिया हो, या सादतपुर का एरिया हो, और आगे करावल नगर और सभापुर चमन विहार का भी हम एरिया मेंशन करेंगे। ये देखिए यह यहाँ पे भराव करके इस रोड के बराबर, इसके बराबर किया जाएगा, इस रोड के बराबर किया जाएगा यहाँ पे, और इसको चौड़ा इधर ही किया जाएगा, इसको रोड चौड़ा इधर ही किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखिए आप, ये जो सामने एरिया है ये सोनिया विहार पांचा पुस्ता है, यानी नानक सर से टोनका सिटी जाने वाला वो एरिया है, जिसके पीछे बैक में सारा जंगल था, और ये जो एरिया है यही सारा आगे जाके सीआरपीएफ कैंप और दिल्ली पुलिस का एरिया कहलाता है, और इसके साथ में ये सारा जंगल था, यहाँ पे पानी का ऐसे भराव हमेशा रहता था, मगर इसके साथ ये जो रोड था करावल नगर, खजूरी से करावल नगर वाला रोड, सभापुर वाला रोड, टोनका सिटी जाने वाला रोड, ये सारा रोड अब चौड़ा कर दिया गया है, और ये देखिए फुटपाथ यहाँ था इस जगह, इसको तोड़ के चौड़ा कर दिया गया यहाँ तक, और साथ ही साथ
सर्विस लाइन इसको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट करके यहाँ पे ला दिया गया है। और ये सारा जो फुटपाथ था, जो इसी बाउंड्री वॉल थी, इसको कंप्लीट करके तोड़ के यहाँ पे डाल दिया गया। ये आपके सामने दिख रहा है, ये सारा ये सब वही उसका मलबा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम आपको एक और बताएं, इसी से चंद कदम की दूरी पे ये रोड है, ये करावन नगर जाता है सीधा, टोनका सिटी जाता है उधर, और वो रोड खजूरी जाता है। ऐसे अगर आप टोनका सिटी से आते हैं तो ये रोड आपके खजूरी जाएगा। और ये तितिक्षा पब्लिक स्कूल है, इसके साथ में जो सर्विस लाइन है नाले की, ये जो आप लाइट देख रहे हैं मास्टर लाइट, ये लाइट इसके साथ में जो नाला है यहाँ पे, यहाँ पे रोड चौड़ा किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें जो भी दिखाई हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं साथ में यहाँ लगातार छटाई कटाई चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं, जिनकी जमा पूंजी यहाँ पे बिल्डरों ने बेच बेच के जो पैसा कमाया था, उस समय सरकारों ने नहीं रोका, पर आज ये बिल्डर करोड़पति हो गए, इनको बेच बेच के चले गए। और इन गरीबों की जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई है और वो दाव पे लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री पक्की काफी लोगों की नहीं है, पावर टॉनी है, ऐसी कई चीजें हैं जिससे ये इनको मुआवजा मिलने में दिक्कत होगी। हालांकि जिसका रोड पे आ रहा है और पक्की जमीन है आपकी, रजिस्ट्री है आपको, तो उनको मुआवजा भी सरकार दे रही है। इस समय हम खड़े हैं करावल नगर चौक पे, मेन चौक पे। ये देखिए, ये जो मंदिर है, ये जो व्हाइट बिल्डिंग है, ये करावल नगर मेन चौक है जहां से आप जाते हैं। ये देखिए दुर्गा माता मंदिर जो है, और ये जो व्हाइट रंग का ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये यहाँ का एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आप उससे नीचे उतरते हैं तो ये देखिए गाड़ियां जा रही है ना, ये सारी ये करावल नगर के लिए जा रही है अंदर, और यही करावल नगर सीधा अंदर जाता है रोड। और ये सभापुर सीधा रोड, आप सभापुर और टोनका सिटी चमन विहार से होते हुए आप DLF अंकुर विहार, शंकर विहार और राम पार्क एक्सटेंशन, खुशहाल विहार, पूजा कॉलोनी, यह होता हुआ सीधा आप टोनका सिटी पहुंच जाएंगे पावी होते हुए। और ये साथ में यह जो रोड है, ये हम आपको दिखाते हैं, ये करावल नगर मेन रोड है जिसके साथ में ये सर्विस लाइन बनाई जा रही है। और यह नाले जो यहाँ पे, इसको हम नाले ही कह सकते हैं, बड़ा यहाँ सीवरेज बनाया जा रहा है। ये देखिए यह नाली बना दी गई है, इसके बाद ये रोड चौड़ा नहीं होगा, यहां तक ये सर्विस लाइन हो सकती है और इसके बाद इस रोड को यहां तक चौड़ा किया जाएगा। और यह पूरा एरिया 220 फुट का होने वाला है आगे, और 110 फुट एक साइड, 110 फुट एक साइड होगा। और ये जो फुटपाथ है, इसके साथ में 110 फुट इधर और 110 फुट इधर, अब ये कैसे डिवाइड करेंगे भगवान जाने, क्योंकि और सभापुर इसी रोड पे आगे जाएंगे तो चमन विहार, DLF अंकुर विहार और सभापुर आ रहा है, सभापुर गांव जो लास्ट बॉर्डर कराता है दिल्ली, और सभापुर जो गांव है वो लास्ट बॉर्डर दिल्ली का और यूपी का है, ये दोनों एरिया में आता है, दिल्ली में भी आता है और यूपी में भी आता है। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो यहाँ पे सब हो रहा है। ये देखिए आप, यह चमन विहार एरिया है, ये जो ये चमन विहार एरिया है और ये बिल्कुल बॉर्डर है, ये दिल्ली का बॉर्डर है, नीला बोर्ड दिख रहा है आपको, ये दिल्ली का आखिरी बॉर्डर है और यहाँ पे सीमाएं समाप्त हो गई MCD की। और यह जो है, ये सोनिया विहार क्वाजा पुस्ता है, यह जी ब्लॉक है। और इसके साथ साथ हम आपको और कुछ दिखाते हैं, ये देखिए ये यहाँ का सबसे फेमस जो शोरूम है ये वो है। और यहाँ ये एरिया हम आपको दिखाते हैं, सामने जो आपको ये दिख रहा है ट्रक, ये MCD का टोल बूथ है जहां से आप टोल देके एंट्री करते हैं दिल्ली में। और हम आपको इसके साथ साथ की चीजें दिखाते हैं जो इस एरिया में डेवलप हो रही है। यह रोड के साथ लगा हुआ एरिया है, ये देखिए। और जो हम सोनिया विहार पांचों पुस्तक की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल जड़ में है, इसके आपके सामने तस्वीरें, उस साइड चमन विहार है, ये बिल्कुल एंड है। और इसके साथ में ये देखिए ये काम चल रहा है, आप देखिए, ये देखिए ये नाला जो यहाँ पे नालियां बनाई जा रही हैं उसका काम चल रहा है, साथ में JCB मशीन चल रही है और काम और आगे चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये देखिए आपको हम तीन लाइन दिखाते हैं, एक लाइन ये जो सर्विस लाइन है, इसके साथ साथ ये जो इसका फाउंडिंग की जा रही है, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, ये दीवार एक तरीके से कह सकते हैं,
ताकि ये रोड कभी धसे ना, साइड से आगे ना जाए, इसीलिए इसको इसके लेवल में किया जा रहा है, इसके बराबर में किया जा रहा है। ये देखिए, और ये करावल नगर मेन रोड है जिसको इसके लेवल में लाके बराबर किया जाएगा। यानी ये कंफर्म है, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है ये इसके लेवल में आएगा, और ये सर्विस लाइन होगी आपको खजूरी से लेके, जो तीन लाइनें होंगी, ये देखिए ये तीन लाइनें होंगी, सर्विस लाइन मेन रोड करावल नगर वाला इसके बराबर पे ये, और ये पुस्ता रोड, और उसके बाद उधर भी जो सर्विस लाइन बननी है वो, यानी ये नेशनल हाईवे और उसके साथ में सर्विस लाइन जो बननी है ये वो है। आप खजूरी से अगर चलते हैं तो सर्विस लाइन आपको साथ में मिलेगी, और आप सीधा टोनका सिटी होते हुए आगे देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। और ये वो रोहित, ये देखिए वो रोड चल रहा है जिसके साथ में ये बनाया जा रहा है, इसको तोड़ा गया है, इसको काटा गया है, साथ में जो चौड़ा करके इसमें बनाया जाएगा, इसको मिलाया जाएगा। और ये फाउंडिंग है, ये वो दीवार है, ये देखिए ये वो दीवार है जिसपे एक के बाद इसको जोड़ के इसको लेवल में ला के इसके बराबर किया जाएगा, ताकि ये हाईवे अलग रहे, इस पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप फर्राटा भरते हुए आगे निकल जाएं। और ये सर्विस लाइन लोकल लोगों के चलने के लिए, आप देखिए काम बहुत स्पीड से चल रहा है, और इसके आगे की तस्वीरें हम आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ तक ही सही, क्योंकि करावल नगर से आगे हम चमन बिहार और इस समय सभापुर तक पहुँच चुके हैं। कल हम आपको सभापुर से आगे की तस्वीरें, अगली वीडियो में हम सभापुर से आगे की वीडियो दिखाएंगे।